हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद फारा। गाइस, ज़रा आप गौर से देखिए और ये जो वाक्य हैं, जो सेंटेंसेस हैं जो आ रहे हैं, बहुत ही काम के हैं। और नहीं काम के होंगे तो आप मेरे वीडियोस को देखना बंद कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं पहला सेंटेंस क्या है। तुम्हारी शर्ट पैंट के बाहर है। ऐसा अक्सर होता है ना कि शर्ट पैंट के बाहर आ जाती है, निकल जाती है। तो इंग्लिश होगी योर शर्ट इज़ अनटग्ड। अनटग्ड यानी कि बाहर है। शर्ट को अंदर कर लो। टक इन योर शर्ट। टक इन योर शर्ट। शर्ट को अंदर कर लो। द नेक्स्ट सेंटेंस इज, तुम एक के बाद एक गलती कर रहे हो। आपको पता है हिंदी में एक के बाद एक का मतलब क्या होता है? वन आफ्टर अनदर बोलते हैं उसको। यू आर मेकिंग मिस्टेक्स वन आफ्टर अनदर, यानी कि एक के बाद एक। मेरा ईयरफोन उलझ गया है। ऐसा काफ़ी बार होता है ना कि ईयरफोन आपस में उलझ जाता है। तो माई ईयरफोन्स आर टैंगल्ड। टैंगल्ड यानी कि उलझ जाना। माई ईयरफोन्स आर टैंगल्ड। मुझे सुलझाने दो। लेट मी अनटैंगल देम। लेट मी अनटैंगल देम। अनटैंगल यानी कि सुलझा देना और टैंगल यानी कि उलझ जाना। या मैंने पहले सुना है। कभी कभी क्या होता है, कोई जोक होता है, फ्रेंड लोग सुनाते हैं तो हम लोग बोलते हैं नहीं नहीं ये तो मेरा सुना हुआ है। आई हैव हर्ड इट बिफोर। आई हैव हर्ड इट बिफोर। तुमने मेरे पैर को दबा दिया। कभी कभी चलते चलते अचानक से गलती से हम लोग पैर दबा देते हैं, फैमिली मेम्बर्स का या फिर फ्रेंड लोग का। तो इंग्लिश होगी यू स्टेप्ड ऑन माई फुट। स्टेप यानी कि पैर पर चढ़ जाना। क्या मैं अपना ऑर्डर बदल सकता हूँ? ये जब शॉप पे जाते हैं तो बोलते क्या मैं बदल सकता हूँ। कैन आई चेंज माई ऑर्डर। मेरा चश्मा धुंधला गया है। कभी कभी क्या होता है, चश्मा आप रखिए भाप से या फिर ठंड से तो क्या होता है, धुंधला धुंधला हो जाता है। तो इंग्लिश होगी माई ग्लासेज आर फॉगी। तो हम उसको साफ करते हैं कि दिखे। क्या तुम कभी आगरा गए हो? हैव यू एवर बीन टू आगरा। Have you ever been to Agra? क्या तुम कभी आगरा गए हो? यह मेरी जूठी प्लेट है। जूठे को बोलेंगे used। तो इंग्लिश होगी दिस इज़ माई यूज्ड प्लेट। यहाँ पे स्पून मैंने लिख दिया गलती से, दिस इज़ माई यूज्ड प्लेट होगा। क्या तुमने इसे अच्छे से धुला है? Did you wash it properly? Properly यानी कि अच्छे से। तुम कितने भोले हो। भोले बोलते हैं इनोसेंट को। तुम कितने भोले हो? यू आर सो इनोसेंट। यू आर सो इनोसेंट। क्या तुम गोवा काम से जा रहे हो या घूमने? ये हम लोग फ्रेंड्स वगैरह में पूछते हैं ना कि क्या घूमने जा रहे हो या फिर कोई काम है। आर यू गोइंग गोवा फॉर वर्क और लीजर? लीजर यानी कि आराम या फिर घूमना मस्ती करना। आर यू गोइंग गोवा फॉर वर्क और लीजर? तो गाइज ये था बहुत ही छोटा सा वीडियो, 3 मिनट का, 3.5 मिनट का वीडियो है। आप प्लीज़ पूरा देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। एंड गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इतने ध्यान से।